Hello students, how are you all? Today we will continue our fourth chapter, that is multiplication and division. Okay, in last video we have learnt about multiplication and now we are going to start division. Okay, division. Division is what? Division is repeated subtraction. वैसे तो आप फोर्थ और फिफ्थ में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो कि डिवीज़न एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है. बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देती हूँ. सपोज़ हमारे पास एग्जांपल है 16 डिवाइडेड बाय 4. इसका मतलब है 16 को 4 से डिवाइड करना है. ओके, अगर हम इसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से करेंगे तो कैसे होगा? इसका मतलब है 16 में से 4 को बार बार माइनस करना है. रिपीटेड मतलब बार बार, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस. तो 16 में से 4 को बार बार माइनस करना है, और माइनस कब तक करना है? जब तक कि 0 या 4 से छोटा नंबर नहीं आ जाता. ओके, तो लेट अस एग्जांपल 16 में से हमने 4 माइनस किया तो आया 12. ओके, वापस हम 12 में से किसको माइनस करेंगे? 4. 12 में से 4 माइनस 8, अभी भी 0 नहीं आया. तो 8 में से वापस 4 माइनस करेंगे, ये हो गया 4. अभी भी हमारा आंसर 0 नहीं आया है. वापस से हम 4 माइनस करेंगे, आंसर आ गया 0. तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब यही होता है कि इस नंबर में से इस वाले नंबर को बार बार माइनस करना, और तब तक माइनस करना जब तक 0 या इस नंबर से छोटा डिजिट नहीं आ जाता. गॉट इट? अब देखो, तो अब हम आंसर कैसे निकालेंगे डिवीजन का? यहाँ पर ये देखना है कि हमने माइनस कितनी बार किया है. ओके, तो यहाँ पर देखो, हमने 4 को कितनी बार माइनस किया है? फर्स्ट टाइम 1, इधर किया है सेकेंड टाइम 2, फिर वापस यहाँ पे किया है थर्ड टाइम नंबर 3, एंड देन फोर्थ टाइम नंबर 4. तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में जो आंसर आता है वो यही होता है कि हमने किसी भी डिजिट को कितनी बार माइनस किया है. तो यहाँ पे हमने 16 में से 4 को 4 टाइम माइनस किया है, तो हमारा आंसर होगा 16 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 4. क्लियर? अब ये तो हो गया रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. नेक्स्ट है कंपोनेंट्स. हम कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं. तो कंपोनेंट्स ऑफ डिवीजन होते हैं डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर. डिविडेंड इज व्हाट? व्हाट इज डिविडेंड? द नंबर इज बीइंग डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड. जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो वो नंबर कहलाता है डिविडेंड. नेक्स्ट इज डिवाइजर. द नंबर बाय विच वी डिवाइड इज कॉल्ड डिवाइजर. जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है वो नंबर कहलाता है डिवाइजर. ओके, तो जब आप डिवाइड कर लोगे तो आपको एक आंसर मिलेगा, एंड द आंसर ऑफ डिविजन इज कॉल्ड कोशेंट. ठीक है, उसके बाद जब हमने पूरा डिविजन सम कर लिया तो नीचे कुछ अमाउंट लेफ्ट ओवर रहता है, या कुछ वैल्यू या कुछ डिजिट हमारे पास बच जाती है. कभी नहीं बचती है, कभी बच जाती है. तो जो भी नंबर नीचे बचता है उसे हम कहते हैं रिमाइंडर. द नंबर विच इज लेफ्ट ओवर आफ्टर डिविजन इज कॉल्ड रिमाइंडर. ओके, तो अब मैं आपको एक फॉर्मेट से समझाती हूँ कि डिविडेंड में, डिविजन में हम इन कंपोनेंट्स को कहाँ पर और कैसे लिखते हैं. क्लियर? तो डिवीजन के लिए सबसे पहले तो एक फॉर्मेट बनाया जाता है. एक लाइन खींचेंगे और इस तरह, और ये फॉर्मेट आप बनाते आ रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. फर्स्ट इज डिविडेंड. डिविडेंड, द नंबर इज बीइंग डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड. मतलब जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है उसे डिविडेंड कहते हैं, और डिविडेंड कहाँ लिखेंगे हम? इस फॉर्मेट के अंदर. जो भी नंबर होता है वो हमारा यहाँ आएगा. ओके, नेक्स्ट इज डिवाइजर.
जिस नंबर को डिवाइड, जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है दैट इज कॉल्ड डिवाइज़र। और डिवाइज़र हम कहाँ लिखेंगे? फॉर्मेट के बाहर। ठीक है, अब जब हमने डिवाइड कर लिया तो हमें आंसर मिलेगा, और वो आंसर हमारा होता है क्वोशेंट, और वो क्वोशेंट आता है ऊपर। तो डिवाइड का यही फॉर्मेट रहेगा, आपको इसी तरह से लिखना है डिजिट्स। जब हमने पूरा डिविजन सम सॉल्व कर लिया तो कभी हमारे पास कभी कभी नीचे नंबर बच जाता है, ठीक है, तो लेफ्ट ओवर जो अमाउंट है या लेफ्ट ओवर जो भी डिजिट है वो कहलाती है रिमाइंडर। क्लियर है? तो ये है रिमाइंडर। कभी कभी किसी केस में हम क्वेश्चन को इस तरह का फॉर्मेट बना करके क्वेश्चन यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो बोथ आर करेक्ट। आपका मन है आप क्वेश्चन ऊपर लिखो तो भी चलेगा, और अगर इस तरह से फॉर्मेट बना के यहाँ पे राइट साइड में लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद आपने पूरा डिवाइड कर लिया तो आपका डिविजन राइट है या रॉन्ग, उसके वेरिफिकेशन के लिए एक फार्मूला होता है, और इस फार्मूले से आप बहुत ही इजीली आप पता कर सकते हो कि आपने जो डिवीजन किया है वो आपका राइट है या रॉन्ग। उसके लिए फार्मूला होगा डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। इसका मतलब है कि जब हम ये फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? इट शुड बी डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब है यहाँ पे जो डिजिट है इसको सॉल्व करने के बाद यही डिजिट यहाँ पर आनी चाहिए। अगर वही डिजिट आपके आ गई, वही नंबर आपके आ गया, इसका मतलब आपका डिविजन बिल्कुल करेक्ट है, और इस वाले नंबर में और यहाँ के नंबर में थोड़ा भी डिफरेंस है दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपसे कोई मिस्टेक हुई है, तो आप उसको दोबारा से सॉल्व करोगे। गॉट इट? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन। फर्स्ट इज When a number is divided by one, the quotient is the number itself. जब भी कोई number one से divide किया जाता है तो answer जो है वो same number ही आएगा. For example, 325 divided by one. तो जब भी कोई number अगर one से divide किया जाता है तो result क्या रहता है? Same number. 325. Okay. Next property is when a number is divided by itself, the quotient is zero. अगर सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया जाता है तो रिजल्ट हमेशा ज़ीरो ही रहता है. फॉर एग्जाम्पल 728 डिवाइडेड बाई 728 इक्वल टू ज़ीरो। जब भी हम सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा ज़ीरो ही आएगा। व्हेन ज़ीरो इज डिवाइडेड बाय नॉन ज़ीरो नंबर, नॉन ज़ीरो का मतलब क्या होता है? ज़ीरो को छोड़कर कोई सा भी नंबर। ओके, व्हेन ज़ीरो इज डिवाइडेड बाय नॉन ज़ीरो नंबर द क्वेश्चन इज ऑलवेज ज़ीरो। फॉर एग्ज़ाम्पल 0 को डिवाइड किया जाता है नॉन ज़ीरो नंबर से, नॉन ज़ीरो का मतलब है 0 को छोड़कर किसी भी नंबर से, सपोज 1256 से डिवाइड किया जा रहा है, तो 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिविजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। ज़ीरो से डिवीजन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है मान लो 525 डिवाइडेड बाय 0, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो दिस इज़ योर प्रॉपर्टीज ऑफ मैथमेटिक्स, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सीखेंगे How to carry out division by 10, 100 and 1000. Okay, a number when
डिवाइडेड बाय 10। जब कोई नंबर 10 से डिवाइड किया जाता है तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन एंड रिमाइंडर निकाल सकते हैं, चाहे 100 से डिवाइड किया गया हो या 1000 से या 10000 से, ठीक है। आप कितना भी, अगर जीरो डिजिट वाले डिवाइज़र हैं तो बहुत ही इजीली आप क्वेश्चन एंड रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हो। तो फर्स्ट एग्जांपल है, अ नंबर व्हेन वी डिवाइडेड बाय 10, जब कोई भी नंबर 10 से डिवाइड किया जा रहा है तो हम कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से देखिएगा, ये है क्वेश्चन और ये है रिमाइंडर। 10 में कितने ज़ीरो होते हैं, 1। तो हम यहाँ से वंस प्लेस पर जो डिजिट है वो हमारा हो जाएगा रिमाइंडर, ओके। और बाकी के जो डिजिट हमारे पास बचे हैं वो हो जाएंगे क्वेश्चन, क्लियर। तो इस नंबर में क्वेश्चन कितना आया, 7629 तो हो गया हमारा क्वेश्चन और 3 हो गया रिमाइंडर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेम नंबर मैंने आपको दिया है और सेम नंबर को अब हम डिवाइड कर रहे हैं 100 से, तो 100 में कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं। तो हम इधर से 2 डिजिट लेंगे वंस और टेंस प्लेस पर, तो हम यहाँ से हमने 2 डिजिट लिया, तो ये जो 2 डिजिट है वो हमारा हो जाएगा रिमाइंडर और बाकी के जो डिजिट बचेंगे वो हो जाएगा क्वेश्चन, क्लियर। तो 762 तो हो गया क्वेश्चन एंड 93 हो गया हमारा रिमाइंडर, ठीक है। नेक्स्ट, सेम डिजिट में अगर सेम डिजिट को 1000 से डिवाइड किया जाए तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 का मतलब है 3 डिजिट और 3 डिजिट का मतलब यहाँ से हम 1, 2, 3 डिजिट लेंगे तो ये डिजिट हो जाएगी रिमाइंडर और बाकी की जो डिजिट बची हैं वो का हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसी नंबर को अगर 1000 से डिवाइड किया जाएगा तो क्वेश्चन आएगा 76 एंड रिमाइंडर हो जाएगा 293। तो जब भी डिवीजन बाय 10, 100, 1000, 10000 इस तरह से हम डिवीजन करते हैं तो हमें डायरेक्ट उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली भी क्वेश्चन एंड रिमाइंडर निकाल सकते हैं, ओके। नाउ वी विल डू डिवीजन, ओके। क्वेश्चन इज डिवाइड एंड चेक योर आंसर, इसका मतलब है आपको पहले तो डिवाइड करना है, उसके बाद आपको आपका डिवीजन सही है या नहीं उसको चेक भी करना है, ओके। तो हमारे पास क्वेश्चन है 26854 डिवाइडेड बाई 84, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए अभी मैंने आपको बताया कि इस तरह का एक फॉर्मेट बनाना होता है, तो वो फॉर्मेट बना रखा है मैंने। अब इसमें हमें ये है डिविडेंड, डिविडेंड और ये है डिवाइज़र, तो डिविडेंड हमेशा हम फॉर्मेट के अंदर ही लिखेंगे और डिवाइज़र को बाहर, ठीक है। तो हम लिखते हैं 26854 और बाहर आ जाएगा डिवाइज़र। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टेबल्स का रिवाइज होना, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट 2 से 9 तक की टेबल्स बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए, वैसे छोटे छोटे बच्चों को भी लर्न होती है और आप तो 5th स्टैंडर्ड में हो तो 5th स्टैंडर्ड में एटलीस्ट 20 तक की टेबल्स सब बच्चों को लर्न हो जाने चाहिए। बट फिर भी मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ कि 2 से 9 तक तो एनी हाउ आपको टेबल्स लर्न करनी ही करनी है। अगर आपको 2 से 9 तक की टेबल्स लर्न है, बड़े से बड़े नंबर के मल्टीप्लिकेशन और बड़े से बड़े नंबर्स के डिवीजन आप बहुत ही ईजीली सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे हमें किसका टेबल बोलना है, 84 का, 84 का टेबल यहाँ पे बोलना पड़ेगा, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस। तो हम क्या करेंगे, या तो 84 का टेबल बनाएंगे या फिर हम एक और मेथड होता है 84 को मल्टीप्लाई करते जाओ, जैसे 84 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 84 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 2000 आ जाएगा, 84 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 3000 आ जाएगा, इस तरह से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। या फिर मैं अभी आपको टेबल बनाना सिखाती हूँ, तो आप साइड में एक
रफली टेबल भी बना सकती हूँ। ओके, तो टेबल बनाने के लिए देखो डिवाइज़र में हमारे पास कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट या 8 एंड 4। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी डिवाइज़र में डिजिट है हम अलग अलग उसका टेबल लिख लेंगे। तो मैंने पहले 8 का टेबल यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है और उसके बाद सेकंड डिजिट है डिवाइज़र में 4, तो यहाँ पर 4 का टेबल भी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें इसका पूरा 84 का टेबल निकालने के लिए अब देखो क्या करना है, जो यहाँ पे वंस प्लेस पे डिजिट्स हैं उनको आप एज इट इज लिखोगे। ठीक है, और वंस प्लेस पे क्या है 4, 8, 2, 6, 0, तो इसी तरह से हम यहाँ पे एज इट इज़ लिखते जाएंगे 4, 8, 2, 6, 0, 4, 8, 2, 6 एंड 0। तो मैंने ये वंस प्लेस पर जितने भी डिजिट्स हैं उनको यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया है। अब हम इनको कट कर देंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ओके, अब जो हमारे पास बच्चे हैं बस उन्हें हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर 8 है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ एज इट इज़ 8 आ जाएगा। यहाँ 16 है, इसमें कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पे हमें 16 लिख देंगे। 24 इधर है और 1 इधर है, 24 प्लस 1 25, 32 प्लस 1 32 42 42 48 प्लus 2 58 62 58 64 plus 3 67 72 plus 3 75 and 80 plus 4 84। तो हमारा टेबल 84 का यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। और जब आप इस तरह से रफली लिख लोगे तो आपके लिए डिवीजन सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। हमें यहाँ पर 84 का टेबल बोलना है, टेबल हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ 2 डिजिट है, 84 में कितना डिजिट है 2, तो हम पहले 2 डिजिट को ही डिविडेंड में से लेंगे। लेकिन ये 2 डिजिट 84 से छोटा है तो 84 के टेबल में 26 तो नहीं आ सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और डिजिट लेनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर 3 डिजिट लेंगे। ठीक है, इसका मतलब है 84 का टेबल आपको तब तक लेना है जब तक 268 या उससे कम नंबर नहीं आ जाता। तो टेबल हमारे पास अवेलेबल है, आप इसमें से देख सकते हो 268 आ रहा है क्या, यहाँ पे देखो 268 कहीं नहीं आ रहा है। तो 268 से छोटा नंबर देखेंगे, 268 से छोटा नंबर 252, और ये कितने टाइम्स आएगा, 1, 2, 3 टाइम्स। तो इसका मतलब है 84 3s are 252। अब हम इसको माइनस करेंगे, 8 minus 2 6, 6 minus 5 1, 2 minus 2 0, तो 0 की लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले अगर कोई 0 आ रहा है उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जब हमने माइनस कर लिया उसके बाद जो बिल्कुल पास वाला नंबर है हम उसको नीचे लेकर आएंगे, उसको राइट डाउन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर कौन सा नंबर है 5, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 5। अब अगेन हमें 84 का टेबल यूज़ करना है और तब तक यूज़ करना है जब तक 165 या उससे कम नहीं आ जाता। तो यहाँ देखो 165 से है नहीं है, 165 नहीं है तो 165 से छोटा 84। ओके, 84 कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, तो यहाँ लिखेंगे 84 1s are 84। अगर हम 168 लेते तो ये तो इससे ज़्यादा हो रहा है तो हमें इससे कम ही लेना पड़ेगा, इसलिए हम 1 टाइम ही टेबल यूज़ करेंगे। अब हम इसको माइनस करेंगे, 5 minus 4 equal to 1, 6 minus 8 6, में से 8 पॉसिबल नहीं है तो हम इससे ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 16, तो 16 में से 8 minus 8। ओके, ये भी प्रोसेस हो गया। अब हम करेंगे पास वाले और जो भी नंबर है उसको नीचे राइट डाउन करना। तो ये वाला नंबर हम नीचे ले आएंगे
अब हमारे पास नंबर हो गया 814। वापस 84 का टेबल तब तक यूज़ करना है जब तक 814 या उससे छोटा नंबर नहीं आ जाता। तो अभी देखो 814 कहाँ पर है, 814 हमारे पास नहीं है। तो हम 814 से छोटा नंबर है हमारे 756, और 756 कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम। तो हम यहाँ लिखेंगे 84 नाइन जार 756। अगेन वी विल सब्ट्रैक्ट दिस। तो अब हम इसको माइनस करेंगे, 44 में से 6 माइनस पॉसिबल नहीं है, हम इससे कैरी फॉरवर्ड इससे बोरो करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 14 और 14 में से 6 माइनस 8, यहाँ बचा 0, 0 में से 5 भी पॉसिबल नहीं है तो हम इससे लेंगे, यहाँ बचेगा हो जाएगा 10 और 10 में से 5 माइनस 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 7 माइनस 0। अब आप फिफ्थ में आ गए हो, आपको अच्छे से बोरो करना आ गया है इसलिए मैंने डायरेक्ट ही माइनस किया है, अगर आप बोरो करके भी करना चाहते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने देखा ये पूरा हमारा डिवीजन सॉल्व हो गया है। अब हमारे पास नीचे पास में कोई नंबर नहीं है जिसको हम नीचे राइट डाउन कर सकें, और ये जो नंबर है, जो नंबर नीचे बचा है वो नंबर भी इससे छोटा ही होना चाहिए। तो 5884 से छोटा है, इसका मतलब अब हमारा डिवीजन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसके आगे का कोई प्रोसेस नहीं करेंगे। अब हमें देखना है क्या है ये जो नंबर हमने लिखा था, द नंबर इज बीइंग डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड, ये होता है डिविडेंड, ओके, और ये है डिवाइजर। जब हमने डिवाइड कर लिया तो हमें क्या मिला, आंसर मिला, और ये है हमारा आंसर, द आंसर ऑफ डिविजन इज कॉल्ड क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन। पूरा जब डिवीजन कर लिया तो नीचे कौन सा नंबर बचा है, 58, और 58 इज लेफ्ट ओवर नंबर एंड दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। आई होप आपको टेबल बनाना भी आ गया होगा और आप बहुत आराम से टेबल सीख सकते हो और कर सकते हो। अब हम वर्ड प्रॉब्लम समझेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 125 कलर टीवी सेट्स इज रुपीज़ 31,94,375, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन कलर टीवी सेट। क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि 125 कलर टीवी के सेट हैं जिनकी कॉस्ट है इतनी, ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, वी विल फाइंड कॉस्ट ऑफ वन कलर टीवी सेट। तो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के लेक्चर में बताया था कि जब हमें वन की वैल्यू पता हो और ज़्यादा की वैल्यू बतानी हो तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और सेम उसका ऑपोजिट अगर हमें ज़्यादा की वैल्यू पता हो और वन की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम हमेशा उस केस में डिवीजन करेंगे, ओके। तो यहाँ पे जब हमें वन की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट वी विल राइट स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ 125 कलर टीवी सेट इज इक्वल टू रुपीज़ दिस नंबर, कॉस्ट ऑफ वन कलर टीवी सेट इज इक्वल टू रुपीज़ 31,94,375 डिवाइडेड बाय 125। मैं आपको डिवाइड करना नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी जस्ट इसके पहले हमने डिवीजन सीख लिया था। तो आपको यहाँ पे इस तरह से लिखकर इसी के नीचे एक फॉर्मेट बनाना है, ठीक है, और इस फॉर्मेट में इसको डिवाइड करना है। ये डिविडेंड है जो यहाँ पर आएगा और ये डिवाइज़र है यहाँ पर आएगा। मैं आपको पहले मैंने आपको 2 डिजिट के टेबल बताए थे, मैं अब 3 डिजिट के टेबल आपको सिखा रही हूँ, उसके बाद आप अपने आप घर पर प्रैक्टिस करोगे और डिवीजन सॉल्व करोगे, ठीक है। यहाँ पर हमें 125 का टेबल लिखना है। तो 125 में कौन कौन से 2 डिजिट है हमारे पास, एक तो 12 और एक 5, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 12 का टेबल ऑलरेडी लिख लिया है, और अब हम 5 का टेबल लिखेंगे। तो 5 का टेबल भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है।
इन दोनों टेबल से हमें 125 का टेबल बनाना है। तो देखो सेम इसमें भी हम ऐसे ही सेम करेंगे कि वंस डिजिट पर वंस प्लेस पर जो भी डिजिट्स हैं हम उनको पहले एज इट इज़ लिख लेंगे। तो वो मैं यहाँ पर लिख चुकी हूँ और अब मैं इसको कट कर रही हूँ, ठीक है ना। अब जो भी डिजिट्स हमारे पास बची हैं हमें उनको ऐड करना है। तो 12 यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हो जाएगा 12 का 12, 24 प्लस 1, 24 प्लस 1 इनको प्लस करना है 25, 36 प्लस 1, 37, 48 प्लस 2, 50, 60 प्लस 2, 62, 72 प्लस 3, 75, 84 प्लस 3, 87, 96 प्लस 4, 104, 108 प्लस 4, 112, 120 प्लस 5, 125। तो यहाँ पर 125 का टेबल रेडी है। अब आप इसकी हेल्प से ये वाला डिवीजन सम बहुत ही इजीली कर सकते हो। समझ में आ रहा है? इस तरह से मैंने सर्कल किए हैं, बस आपको इनको सबको प्लस करते हुए जाना है और हमारे थ्री डिजिट का टेबल भी रेडी हो जाएगा। आई होप आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन चैप्टर समझ में आ गया होगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। आपके बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप घर पे बैठ करके बहुत ही अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मीटिंग में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।